सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस, मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में बात करूंगा सरफेस इंटीग्रल के बारे में। इसके पहले मैं लाइन इंटीग्रल पर 3 वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग सरफेस इंटीग्रल समझेंगे, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, उससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट है, और फिर इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इस चैनल पर हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूँ, तो आप बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सरफेस इंटीग्रल क्या होता है। आप देखिए, एनी इंटीग्रल विच इज टू बी इवेल्युएटेड ओवर ए सरफेस इज कॉल्ड ए सरफेस इंटीग्रल। जैसे लाइन इंटीग्रल में आप देख चुके हैं कि अगर कोई भी इंटीग्रल को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं अलोंग द कर्व तो उसको हम लोग लाइन इंटीग्रल कहते हैं, और अगर किसी इंटीग्रल को इवेल्युएट करते हैं ओवर ए सरफेस तो उसको हम लोग कहते हैं सरफेस इंटीग्रल। और जब सरफेस इंटीग्रल की बात करते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर हम लोग डबल इंटीग्रल शो करते हैं। तो किसी भी फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करना है, किसी सरफेस के अलॉन्ग इंटीग्रेट करना है और डीएस के रिस्पेक्ट में कोई भी फंक्शन को, तो वो सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा। यहाँ जो इंटीग्रेशन होता है अलॉन्ग ओवर द सरफेस एस होता है। और अगर हम लोग किसी कर्व के अलॉन्ग किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, वहाँ पर लिखे थे एफ डॉट डी आर, तो ये हो जाता है लाइन इंटीग्रल, जिसका आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा लाइन इंटीग्रल का, आप उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग सरफेस इंटीग्रल की बात करते हैं। तो जो इंटीग्रल करते हैं वो किसी सरफेस में करते हैं। सपोज कीजिए ये कोई सरफेस है, इसी सरफेस में अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, मान लीजिए ये सरफेस एस है और इसी सरफेस में अगर इंटीग्रेट करना है, तो जो इंटीग्रल का वैल्यू आएगा उसको हम लोग कहेंगे सरफेस इंटीग्रल। जैसे आगे देखिए अब क्या है कि लेट फाई बी ए स्केलर पॉइंट फंक्शन डिफाइंड ओवर एस। मान लीजिए कोई फाई फंक्शन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है। स्केलर पॉइंट फंक्शन है मीन्स फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, सपोज करते हैं यही फंक्शन है, या माइनस टू कर देते हैं। तो ये है फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। इस सरफेस पे ये डिफाइंड है, सरफेस पर डिफाइंड है, इसका मतलब इस सरफेस के कोई भी पॉइंट आप ले लेते हैं, उसका अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड कोई भी कोऑर्डिनेट है, सपोज कीजिए इसका कोऑर्डिनेट है 1, 5, 2, तो इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकल जाएगा। इस तरीके से सरफेस पर जितना भी पॉइंट होगा सभी पर फंक्शन डिफाइंड होगा। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि फाई जो फंक्शन है एक स्केलर फंक्शन है और डिफाइंड है ओवर द सरफेस एस। अब डिवाइड द एरिया एस इंटू एन सब एरियाज डेल्टा एस वन डेल्टा एस टू डॉट डॉट डेल्टा एस एन। अब इसको आप क्या कीजिए, इसको इस एस एरिया को एन सब एरियाज में डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए इस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, और कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। मान लीजिए ये थ्री डायमेंशनल स्पेस है, सरफेस है ये, तो थ्री डी में है, कहीं पर भी कोई भी प्लेन हो सकता है, या सरफेस या स्फीयर हो सकता है या क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये अगर आप एक प्लेन की बात करें, ये प्लेन को अगर हम लोग स्पेस में ऐसे रख दिए हैं, तो ऐसे जो रखा हुआ है ये प्लेन, तो ये हो गया सरफेस। इसका दो साइड है, एक साइड ये है और एक साइड ये है, एक पीछे साइड है और एक फ्रंट में आगे साइड है। तो इस तरीके से रख देते या इस तरीके से रख देते या इस तरीके से रख देते, किसी भी तरीके से रख दीजिए, तो ये प्लेन सरफेस हो गया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि प्लेन सरफेस ही हो, कर्व सरफेस भी हो सकता है, स्फीयर हो सकता है या फिर क्यूब हो सकता है, कोई भी सरफेस हो सकता है। तो मान लीजिए अभी इस तरीके से एक सरफेस ली है और इस सरफेस को हम लोग कई पार्ट में एन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और प्रत्येक पार्ट को जैसे डेल्टा एस वन डेल्टा एस टू इस तरीके से ये जो स्मॉल एरिया आ रहा है इसको डिवाइड करने के बाद वो डेल्टा एस वन डेल्टा एस टू डॉट डॉट डेल्टा एस एन ये सपोज कर लेते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिवाइड द एरिया एस इंटू एन सब एरियाज डेल्टा एस वन डेल्टा एस टू डॉट डॉट डेल्टा एस एन। इन ईच एरिया डेल्टा एस आई
चूज एन आर्बिट्ररी पॉइंट PI, XI, YI, ZI। अब आप क्या करते हैं कि कोई भी मान लीजिए ये जो एरिया है, सब एरिया है, उसको हम लोग इस सब एरिया को हम लोग कह रहे हैं डेल्टा एस आई, और इस डेल्टा एस आई में कई पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट में हम इस एरिया में कोई भी एक पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं और उसको हम लोग मानते हैं पी आई। पी आई यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं, और इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, तो उसका कोऑर्डिनेट को एक्स आई वाई आई जेड आई मान रहे हैं। जैसे मान लीजिए इस पर एक पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लेंगे X1, Y1, Z1। ये डेल्टा एस वन में है तो X1, Y1, Z1। ये डेल्टा एस आई है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हम लोग मान रहे हैं XI, YI, ZI। एंड फॉर्म द सम, और क्या करते हैं हम लोग, ये जो फाइव फंक्शन है, कोई भी फाइव फंक्शन हो सकता है, यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में ये वाला फंक्शन नहीं है, तो ये फाइव फंक्शन इस सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर डिफाइंड है, तो इस पॉइंट पर भी डिफाइंड होगा, इस पॉइंट पर भी इसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। जैसे अगर इसी एग्जाम्पल को मानते हैं तो XI, YI, ZI इसका कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का माने हुए, इस पॉइंट पर इस फंक्शन का वैल्यू निकाल लीजिए तो XI² + YI² + ZI² - 2 हो जाएगा। तो जो भी फाइव फंक्शन होगा उसका इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे, तो वही फाई ऑफ पी आई लिखे। फाई ऑफ पी आई क्या है, फाइव फंक्शन का वैल्यू है XI, YI, ZI पॉइंट पर, तो इस फाइव फंक्शन का वैल्यू पी आई पॉइंट पर निकाल लेते हैं और उसको डेल्टा एस आई जो एरिया है, ये जो स्मॉल एरिया है डेल्टा एस आई, इस एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका समेशन कर देते हैं i=1 to n। यानी क्या करेंगे हम लोग, इस जो सब एरिया आ रहा है, इस सब एरिया में भी फाइव फंक्शन का कुछ वैल्यू आएगा, किस पॉइंट पर आएगा, फाइव फंक्शन P1 पर आएगा, तो P1 पर फाइव फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे और उसको डेल्टा S1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, फाइव फंक्शन का वैल्यू P2 पॉइंट पर निकालेंगे, उसको डेल्टा S2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हम लोग सभी सब एरिया में फाइव फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको ऐड कर देंगे, तो i=1 to n ये वाला एरिया है। अब क्या करेंगे, अभी हम लोग जो है इसको n पार्ट्स में डिवाइड किए थे, n सब एरिया में डिवाइड किए थे, अगर नंबर ऑफ एरियाज बढ़ा देते हैं, मान लीजिए अभी हम लोग 25 पार्ट्स में डिवाइड किए, अगर 50 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये एरिया जो है, एक सब एरिया जो आ रहा है वो और छोटा हो जाएगा। मान लीजिए इसको 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, इतने ही बड़े एरिया को 1000 पार्ट्स में, तो जो एक एरिया आएगा बहुत छोटा हो जाएगा। अगर इसको नंबर ऑफ सब एरिया जो है वो अगर बढ़ाते चल जाए, एन टेंस टू अगर इन्फिनिटी कर दे, तो एक जो सब एरिया आएगा क्या आएगा, वो लगभग एक पॉइंट के बराबर आ जाएगा। कई पार्ट में इसको हजारों पार्ट में डिवाइड कर दीजिए या लाखों पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो एक जो सब एरिया आएगा बहुत छोटा हो जाएगा, एक पॉइंट के बराबर हो जाएगा अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी कर देते हैं। तो यहाँ पर वही है कि इफ एज एन टेंस टू इन्फिनिटी इन सच ए वे दैट ईच सब एरिया डेल्टा एस आई रिड्यूसेज टू ए पॉइंट, ऐसा हम लोग डिवाइड करते हैं, इसको एन टेंस टू इन्फिनिटी कर देते हैं, तो जो पी आई जो सरफेस एरिया है डेल्टा एस आई वो एक पॉइंट में रिड्यूस हो जाएगा, और द सम टेंस टू ए फाइनाइट लिमिट, उसके बाद इसका जो सम आएगा, यानी इसमें जब लिमिट लगा देते हैं एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट लगाने के बाद ये जो सम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सम टेंस टू ए फाइनाइट लिमिट आना चाहिए, ये फाइनाइट लिमिट होगा, और साथ में क्या होगा, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोड ऑफ सब डिविजन, चाहे इसको जिस तरीके से भी डिवाइड करें सब एरिया में, उससे इसके लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लिमिट हमेशा एक फिक्स होना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से उसको हम लोग डिवाइड कर दें, तो इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोड ऑफ सब डिविजन। अगर यहाँ पर लिमिट लगा दिया जाए इंटेंस टू इन्फिनिटी, तो ये फाइनाइट लिमिट होना चाहिए और वो मोड ऑफ सब डिविजन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। देन द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू आएगा इंटेंस टू इन्फिनिटी लगाने के बाद, इज कॉल्ड द सरफेस इंटीग्रल ऑफ फाई ओवर एस, इसी को हम लोग कहते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ फाई। फाई फंक्शन स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो फाई फंक्शन का ये सरफेस इंटीग्रल कहलाता है ओवर एस, एंड इज डिनोटेड बाय, और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं कि फाई फंक्शन का ये सरफेस इंटीग्रल हो गया ओवर द इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस। तो ये हो गया सरफेस इंटीग्रल, ये फाई स्केलर पॉइंट फंक्शन का है। अब इसी तरीके से हम लोग वेक्टर पॉइंट फंक्शन का सरफेस इंटीग्रल देखते हैं कि क्या होता है।
अब हम लोग आगे देखते हैं कि लेट एफ वेक्टर एफ बी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइंड एंड कंटिन्यूस ओवर ये सरफेसेस। एफ जो है वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। जैसे ये सपोज कीजिए एक सरफेस एस है और इस एस पर एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, यानी इस सरफेस पर जितना भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट आप अगर ले लेते हैं, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा उस कोऑर्डिनेट पर ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइंड होगा। और जनरली वेक्टर पॉइंट फंक्शन ये जो डिफाइंड होता है उसको हम लोग लिखते हैं एफ वन ऑफ एक्स वाई जेड आई कैप प्लस एफ टू ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जे प्लस एफ थ्री ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इंटू की कैप। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन को। ये एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, इसके साथ में आई मल्टीप्लाई होगा। ये एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, इसके साथ जे। और ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, उसके साथ के। तो ये एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, किसी भी पॉइंट पर इस फंक्शन को निकाल सकते हैं। तो ये फंक्शन कैसा है, इस एस सरफेस पर डिफाइंड है और इस सरफेस पर ये कंटिन्यूस भी है। देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि एफ वी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइंड एंड कंटिन्यूस ओवर ये सरफेस एस। अब लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द सरफेस एस एंड लेट एन बी द यूनिट वेक्टर एट पी। क्या कर रहे हैं यहाँ पर भी, पहले जैसा ही हम लोग इसको कई पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कई रीजन में डिवाइड कर देंगे, सब रीजन में। और सब रीजन में जो डिवाइड करेंगे, एन सब रीजन में डिवाइड करेंगे, तो फाइनाइट नंबर ऑफ सब रीजन में हम लोग डिवाइड कर दिए हैं इसको। और किसी भी सब रीजन पर एक पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट को हम लोग अगर पी कह रहे हैं, पी बी एनी पॉइंट ऑन द सरफेस एस एंड लेट एन बी द यूनिट वेक्टर एट पी। अब ये जो एन है वो यूनिट वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ द आउटवर्ड डाउन नॉर्मल टू द सरफेस एस एट पी। तो पी जो पॉइंट लिए सब रीजन, किसी भी सब रीजन में, और उसमें हम लोग एक आउटवर्ड डायरेक्शन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे आप सपोज कीजिए एक स्फीयर है, हेमी स्फीयर है, सपोज कीजिए तो हेमी स्फीयर है, तो ये ऊपर की ओर जो होगा, ऐसे अगर है ये हेमी स्फीयर, तो ये जो ऊपर की ओर है वो आउटवर्ड नॉर्मल ड्राउन हो गया, ये इनवर्ड हो गया। तो आउटवर्ड नॉर्मल नॉर्मल जो है नॉर्मल वेक्टर, उसी को हम लोग एन कह रहे हैं। और द इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन। अब क्या करना है कि ये जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट करेंगे एन के साथ। तो एन के साथ करेंगे तो ये बताएगा फंक्शन एफ का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, एन के डायरेक्शन में, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो एफ डॉट एन जो है वो कंपोनेंट हो गया इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का एन के डायरेक्शन में, और इसी को इंटीग्रेट करेंगे ओवर एस, एस सरफेस में इंटीग्रेट करेंगे। तो इस कॉल्ड द सरफेस इंटीग्रल या फिर नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल कहते हैं ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ ओवर एस, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इस तरीके से डिनोट करते हैं इसको, यानी कि एफ और एन का डॉट प्रोडक्ट करना है और सरफेस एस के में इंटीग्रेट कर देना है। तो ये जो इंटीग्रल होगा इसी को हम लोग कहते हैं सरफेस इंटीग्रल या फिर नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल। अब जरा ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि इफ़ वी एसोसिएट विथ द डिफरेंशियल ऑफ सरफेस एरिया ds, ds जो है वो क्या है, ds एक स्मॉल पार्ट जो है, स्मॉल सब रीजन है, तो उसको हम लोग ds कह रहे हैं इस एरिया को। तो ये ds जो एरिया है, ds को हम लोग एक वेक्टर ds से एसोसिएट करते हैं। कैसे करते हैं, ये वेक्टर ds क्या होगा, हुज मैग्नीट्यूड इज ds एंड हुज डायरेक्शन इज दैट ऑफ वेक्टर n। यानी क्या कर रहे हैं हम लोग, ये ds को एसोसिएट कर रहे हैं ये ds वेक्टर के साथ। तो ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इस n के डायरेक्शन में होगा। तो कैसे लिखते हैं, सपोज कीजिए, जरा ध्यान दीजिए, आपको पता है कि x एक्सिस के डायरेक्शन में, मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर i होता है। अगर हम लोग एक्स इंटू आई लिख रहे हैं तो ये क्या बताता है, ये बताता है इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर बताता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये मान लीजिए यहाँ पर ए है, तो ये वेक्टर ओ ए बता देगा, और वेक्टर ओ ए का जो लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा वो एक्स होगा, और इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो कौन सा डायरेक्शन होगा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग को क्या करना है, जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है एन, इसी के डायरेक्शन में, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, इसी के डायरेक्शन में हम लोग को एक
वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड ds होना चाहिए। तो ds को अगर n से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे अभी x को i से मल्टीप्लाई कर देता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो ये एक वेक्टर बता रहा था i के डायरेक्शन में, तो ये एक वेक्टर बताएगा n के डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ds, और इसी को क्या कह रहे हैं हम लोग, वेक्टर ds कह रहे हैं। तो ds into n जो आ रहा है उसी को वेक्टर ds कह रहे हैं। अब क्या कीजिए, तो n into ds को हम लोग क्या करेंगे, अब n into ds को हम लोग वेक्टर ds लिख रहे हैं, और इस इंटीग्रल में n into ds जो है उसके जगह वेक्टर ds लिख देते हैं। ये n लिखने की जरूरत नहीं, इसी में वेक्टर आप लगा दीजिए, ये एक वेक्टर हो गया जिसका डायरेक्शन है n के डायरेक्शन में और इसका मैग्नीट्यूड ds है, तो इसके जगह पर अगर हम लोग ये लिख देते हैं तो ये भी सरफेस इंटीग्रल हो गया। यानी कि सरफेस इंटीग्रल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन का सरफेस इंटीग्रल हो गया। इसके पहले मैं स्केलर पॉइंट फंक्शन का सरफेस इंटीग्रल बताया था। इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन में एक नॉर्मल वेक्टर भी होता है, इसीलिए इसको नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सरफेस इंटीग्रल का डिफिनेशन हुआ। आप सरफेस इंटीग्रल को इवेल्युएट कैसे करते हैं, अगर थ्री डायमेंशनल स्पेस में कहीं पर कोई भी सरफेस है तो उसको हम लोग इवेल्युएट कैसे करेंगे, ये डबल इंटीग्रल होता है। तो डबल इंटीग्रल निकालते कैसे हैं हम लोग, इसको या तो एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट कर देते हैं या वाई जेड प्लेन पर या जेड एक्स प्लेन पर प्रोजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद इवेल्युएट करते हैं। तो प्रोजेक्ट करके कौन सा फॉर्मूला बनता है, तो उस फॉर्मूला को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं, या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा उसको आपको रिप्लाई करने का। और नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि सरफेस इंटीग्रल को हम लोग कैसे इवेल्युएट करते हैं वो पता चल जाएगा, उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन को भी बताऊँगा। तो आज इस वीडियो में यहीं तक, आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।